हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 3, परमाणु व अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। आज इस वीडियो का हम पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, और ये जो नया चैप्टर है जिसमें हम परमाणु और अणु के बारे में विस्तृत रूप से जानने वाले हैं। अब इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई परमाणु क्या होते हैं और अणु क्या होते हैं। तो परमाणु, हमें पता है कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। और अणु क्या होते हैं? अणु, जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। अब परमाणु के बारे में सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी, इसके बारे में हम सब अच्छे से पढ़ने वाले हैं। परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, सब कुछ देखेंगे। तो इसमें हमें ध्यान तो रखना है, तो लगभग 500 ईसा पूर्व है। बात 500 ईसा पूर्व के पहले, लगभग 2500 साल पहले, हमारे एक महर्षि थे कणाद। महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में सबसे पहले बताया था। 500 ईसा पूर्व महर्षि कणाद ने बताया। उन्होंने क्या बताया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं, तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। तो उन्होंने सीधे से बताया कि कोई पदार्थ है, मान लो उस पदार्थ को यदि बार बार हम विभाजित करते जाएं तो उसके छोटे छोटे कण हमें प्राप्त होते जाते हैं, और अंत में एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम और छोटे पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात और इनको आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो उन अविभाज्य कणों को महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। फिर से सुनना इसको। 500 ईस्वी पूर्व है, लगभग 2500 साल पहले, भारत के एक महर्षि कणाद ऋषि हुआ करते थे, महर्षि थे। उन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था। उन्होंने क्या बताया कि यदि पदार्थ, तो इधर जैसे मान लो एक चीज ध्यान रखना, एक तो द्रव्य नाम आएगा या पदार्थ आएगा, तो उसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। द्रव्य को ही पदार्थ कहते हैं, तो चाहे द्रव्य लिख दो चाहे पदार्थ लिख दो। तो यदि हम पदार्थ के कणों को बार बार विभाजित करते जाएंगे तो वो हमें अविभाज्य कण प्राप्त होते जाएंगे, और लास्ट में एक सीमा या एक स्थिति ऐसी आएगी कि इस अविभाज्य कण को आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि महर्षि कणाद ने उन अविभाज्य कणों को क्या नाम दिया? पदार्थ नाम दिया। पदार्थ का उस अविभाज्य कण, उसको महर्षि कणाद ने क्या नाम दिया? परमाणु। क्या कहा? परमाणु कहा। तो एक तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। उसके पश्चात एक अन्य भारतीय दार्शनिक जिसका नाम था पकुद्दा काव्याम, एक अन्य भारतीय दार्शनिक है जिसका नाम है पकुद्दा काव्याम, तो उन्होंने समझाया कि कण जो हैं वो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। पकुद्दा काव्याम ने बताया कि यह कण संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। यह कण का मतलब जो हमने पदार्थ को आगे विभाजित करते गए तो वो कण क्या पाए जाते हैं? संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें हम द्रव्यों के विभिन्न रूपों में या विभिन्न रूपों में देखते हैं। तो ये बात किसने बताई थी? पकुद्दा काव्याम ने बताई थी। तो उन्होंने बताया था कि यह जो कण हमें प्राप्त हुए वो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं, और जिन्हें हम द्रव्यों के विभिन्न रूपों में देखते हैं। तो सेकेंड हमने पढ़ा पकुद्दा काव्याम के बारे में। थर्ड, जो अगला जो दार्शनिक था, ग्रीक दार्शनिक
जिसका नाम था डेमोक्रेटिस और लियोसिपस, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस। वह लियोसिपस ग्रीक दार्शनिक क्या था? डेमोक्रिटस और लियोसिपस। उन्होंने ये सुझाव दिया कि यदि हम इन कणों को विभाजित करते जाएंगे, जब तक प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, तो इस अविभाज्य कण को उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। तो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस व लियोसिपस में बताया कि जब तक इन कणों को विभाजित करेंगे, यानी जब तक जो हमें कण प्राप्त हुए तो उन कणों को विभाजित करते जाएंगे, तो एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये किसने बताया था? ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियोसिपस। और उस अविभाजित कणों को उन्होंने क्या कहा? उस अविभाजित कण को उन्होंने परमाणु कहा। क्या का नाम दिया? परमाणु कहा। तो परमाणु के बारे में अनेक अनेक धारणाएं जो हैं वो प्रचलित थी, और अनेक अनेक दार्शनिकों ने परमाणु के बारे में विभिन्न प्रकार से बताते चले गए। उसके बाद में बात है 18वीं शताब्दी के अंत में। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों व यौगिकों के भेद को समझाया। किसको समझाया? तत्व व यौगिकों को। तो उन्होंने बताया कि भाई तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं, उसके बारे में समझाया था, और बताया कि भाई तत्व जो हैं वो किस प्रकार रासायनिक संयोग करते हैं, तत्व किस प्रकार रासायनिक संयोग करते हैं, किस प्रकार रासायनिक संयोग करते हैं। तो ये 18वीं शताब्दी जब था तब तक बता दिया गया था। एक बार हम फिर से इसको पढ़ लेते हैं कि 500 ईस्वी पूर्व महर्षि कणाद ने क्या बताया था कि जो पदार्थ है या जो द्रव्य हैं, ठीक है, इनको यदि लगातार बार बार आगे तक विभाजित करते जाएं तो हमें अविभाज्य कण प्राप्त होता जाएगा, और लास्ट में एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस कण को हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो उस कण का नाम उन्होंने क्या कहा? परमाणु कहा। उसके बाद में एक अन्य दार्शनिक थे हमारे पुकुदा काव्याम या महर्षि थे, उन्होंने बताया कि यदि ये कण जो कण हमें प्राप्त होते हैं वो संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और जिन्हें हम द्रव्यों के विभिन्न रूप में देख सकते हैं। फिर ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और लियोसिपस ने बताया कि जब तक इन कणों को विभाजित करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आती है कि प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, और जो अविभाज्य कण है उसका नाम भी उन्होंने क्या रहा था? परमाणु रखा था। और 18वीं शताब्दी के अंत तक जो वैज्ञानिक थे वो कहाँ तक पहुँच पाए थे? तत्वों और यौगिकों के भेद को वो समझा पाए थे कि जो तत्व हैं वो किस प्रकार रासायनिक संयोग करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। हमारा अगला इसमें पॉइंट जो रहने वाला है उसका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, तो उसके बारे में हम इसको विस्तृत से जानने वाले हैं। तो डाल्टन ने जो अपने परमाणु सिद्धांत में
किसके बारे में सबसे बताया था? तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत में जो यौगिक है या जो तत्व है वो हमें पता है कि एक तो निश्चित द्रव्यमान के रूप में रहते हैं और स्थिर अनुपात के रूप में वो रहते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का जो नियम है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम उसको क्या कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है इसे हम परमाणुवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अब परमाणुवाद का सिद्धांत इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सिद्धांत के द्वारा परमाणु के अस्तित्व के बारे में स्पष्ट रूप से बताया जा सका, इसलिए इसे डाल्टन का परमाणुवाद सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत के द्वारा जो स्थिर अनुपात का नियम है या जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इस नियम की युक्ति संगत क्या की गई थी, व्याख्या की गई थी, अर्थात ये जो नियम है इसके बारे में संपूर्ण रूप से जो डाल्टन ने है वो बताया था। फिर उसके बारे में हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो द्रव्यों की प्रकृति के बारे में, द्रव्यों की प्रकृति, द्रव्यों का मतलब पदार्थों की प्रकृति के बारे में भी प्रदर्शित करता है या बताता है, पदार्थों की प्रकृति के बारे में ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो हमें बताता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि जो द्रव्य है, द्रव्य का मतलब या जो पदार्थ है, चाहे किसी भी अवस्था पदार्थ वो किसी भी अवस्था में हो, जिसका मतलब हम बोल सकते हैं द्रव्य यौगिक तत्व है यौगिक या फिर मिश्रण के रूप में हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। इस परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो द्रव्य या पदार्थ चाहे किसी भी अवस्था, जैसे तत्व यौगिक व मिश्रण में से किसी भी अवस्था में हो, पदार्थ जो है वो तत्व यौगिक या मिश्रण में किसी भी अवस्था में हो, ठीक है। अब चाहे वो किसी भी अवस्था में है, किन से मिलकर बना होता है, तो वे सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। तो डाल्टन ने जो प्रमुख बात बताई थी वो बताई थी कि भाई जो पदार्थ या जो द्रव्य है वो किसी भी अवस्था, चाहे तत्व रूप में हो, यौगिक में हो या मिश्रण के रूप में हो, किससे बने होते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। तो ये डाल्टन ने प्रमुख बात है वो बताई थी। अब इसकी कौन कौन सी अभिधारणाएं हैं? तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणाएं, तो अगला हमारा जो इसमें पॉइंट रहेगा वो रहेगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणाएं। तो कौन कौन सी उन्होंने अवधारणाएं दी थी परमाणु सिद्धांत की, तो उसको हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बताया था कि जो सभी पदार्थ, सभी द्रव्य पदार्थों से निर्मित होते हैं। तो पहले उनकी जो मुख्य बातें थी कि जो सभी द्रव्य हैं वो पदार्थों का मतलब द्रव्य बोल सकते हैं, या जो पदार्थ है वो किससे मिलकर बने होते हैं, सॉरी यहां पे आएगा परमाणुओं से, द्रव्य या पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो ये पहले बात बताई थी कि सभी द्रव्य या पदार्थ किससे निर्मित होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से
मिलकर बने होते हैं। तो इनकी पहली अवधारणा यही थी कि जितने भी हम देखते हैं पदार्थ वो सब परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। सेकंड उन्होंने बताई थी कि परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है। क्या है? परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य क्रम है जिसे जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा न तो निर्मित कर सकते हैं न तो निर्मित कर सकते हैं और न ही क्षय यानी नष्ट। तो सेकंड बात उन्होंने बताई थी कि परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया या क्रिया द्वारा न तो निर्मित कर सकते हैं और न ही क्षय कर सकते हैं। थर्ड जो बात उन्होंने बताई थी वो बताई थी कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे सभी परमाणु है उनके जो द्रव्यमान है या जो रासायनिक गुणधर्म है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। फोर्थ इसमें बताया था कि भिन्न 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 तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं अर्थात अलग अलग होते हैं। तो फोर्थ बात उन्होंने ये बताई थी अपने सिद्धांत के अनुसार। और जो पांचवी बात उन्होंने बताई थी कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं तो ये जो मुख्य बात है उन्होंने बताई थी। और लास्ट में उन्होंने बताया था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं का सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं तो डाल्टन ने अपने परमाणु जो सिद्धांत दिया था उन सिद्धांत में प्रमुख बातें बताई थी जिनके आधार पर परमाणु जो है उनके बारे में स्पष्ट रूप से बताया जा सकता है। और यदि ये बातें जो परमाणु है उसके ऊपर पूर्णतया लागू होती है तो उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में पहले क्या बताया था कि सभी द्रव्य या पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। प्रकृति में जितने भी पदार्थ हैं वो किससे निर्मित है? एक सूक्ष्म कण परमाणु से निर्मित है।
सेकेंड इसमें हमने देखा कि परमाणु सूक्ष्म अविभाज्य कण है, अति सूक्ष्म कण है, इसको आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा न तो निर्मित कर सकते हैं, यानी ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं है कि हम परमाणु का निर्माण कर सकें, और ऐसी कोई अभिक्रिया नहीं है जिसे हम परमाणु को नष्ट कर सकें, कोई भी अभिक्रिया नहीं है। थर्ड उन्होंने बताया कि दिए गए तत्वों के सभी परमाणु का द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, यानी समान तत्व हैं तो उनके जो परमाणु उनका द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, समान होता है। फोर्थ उन्होंने बताया भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। फिफ्थ जो बताई थी उन्होंने, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे अलग अलग तत्व के परमाणु हैं, वो एक छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। और लास्ट में उन्होंने बताया था कि किसी भी यौगिक में परमाणु की जो सापेक्ष संख्या और प्रकार क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर हम परमाणु के बारे में अच्छे से जान सकते हैं।